सर, जिस तरीके से राजस्थान को नया मुख्यमंत्री, आपने पहले ही इस बात को लेकर ऐलान कर दिया था कि सरप्राइज होगा, जिस तरीके से भजनलाल शर्मा का नाम आया, हर कोई शौक चौक गया है। नहीं, शौक क्यों है, खुशी हो गई, देखो वो नारे लग रहे हैं भजनलाल जी के। हाँ सर, संघर्ष तो आपने भी बहुत किया था, मैं देख रहा था 5 साल से। मेरी बात सुनिए, मैं बाड़मेर से आता हूँ, मैं आपके संघर्ष, वहाँ आपके लाखों की तादाद में युवा मुरीद है, ऐसा कहा जा रहा था कि अगर जो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री की रेस के अंदर बाबा सबसे आगे। मैंने कभी कोई पद नहीं मांगा जब से मैं राजनीति में आया हूँ, पद काम के आधार पर जो पार्टी देती है वो मैं काम करता रहता हूँ। राजनीति में मैं काम करने के लिए आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, पद पाने के लिए नहीं आया। जो जिम्मेदारी पार्टी देती रहेगी वो काम करता रहूंगा, पद मिले या ना मिले। बाबा जो इस तरीके से मिशन में जुटे हुए थे पिछले 5 सालों से, तमाम तरीके से आपने बहुत सारे घोटाले उजागर किए थे, अब क्या वो अंजाम तक पहुंचे? आगे भी बिल्कुल पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। अच्छा बाबा, क्या लग रहा है जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री है, अब क्या लग रहा है आगे, किस तरीके से तमाम तरीके से जो 2024 का वो पर्यवेक्षक बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। अच्छा थैंक यू। आप देखिए तमाम तरीके से राजस्थान का एक, आप देखिए ये किरोड़ी लाल के जो समर्थक है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक है। अच्छा क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को अवगत कराते हैं कि आदिवासी क्या चीज होती है, कि 5 साल की मेहनत क्या लगता है बाबा। आप देखिए किस तरीके से बाबा के समर्थक है, वो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताए, जबरदस्त तरीके से गुस्से में है। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से बाबा को न तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है न मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसका जवाब है हम है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर देंगे। आप देखिए लगातार बाबा समझाइश कर रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताए किस तरीके से गुस्सा है तमाम जो लोग हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। अच्छा क्या लग रहा है बाबा, 5 साल से मेहनत कर रहे थे और अब बीजेपी एसटी विरोधी पार्टियां, इन्होंने पहले भी हमें यही धोखा दिया है। 5 साल सड़कों में मेहनत हमने की थी, कब की थी इन्होंने मेहनत? एसी में सोने वाले नेता थे जिनको सीएम बना दिया, और जिन्होंने 5 साल सड़कों में संघर्ष किया वो क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ लिफाफा थे क्या? क्या लगता है इसका बीजेपी को खामियाजा लोकसभा चुनाव में? इसका पता तो लोकसभा चुनाव में चलेगा जब मीणा वोटर वोट देंगे तब। क्या लग रहा है बाबा के साथ अन्याय होगा? ये संगठन का बाबा लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से जो समर्थक है वो इस बात से, जो बीजेपी ने फैसला लिया उस बात से नाराज है, नाराज इस बात से है कि 5 साल तक बाबा है वो मेहनत करते रहे। बाबा ने सड़कों पर लगातार 4.5 साल तक अकेले किरोड़ लाल जी ने भाई है राजस्थान में 5 साल में यदि बीजेपी की सरकार आई है तो उसका श्रेय केवल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जाता है, चाहे रीत वाला मामला हो, चाहे शिंबू पुजारी का मामला हो, किसी भी चाहे हमागढ़ का मामला हो, हर मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने संघर्ष किया है। आज हम बात कर रहे हैं सरकार की, तो पूर्वी राजस्थान से ही बीजेपी को सफलता मिली है, शेखावत डिबेट से नहीं मिली है। सरकार को घेरने वाले और पेपर आउट के खिलाफ धरना देने वाले और शहीदों की पत्नियों के लिए आंदोलन लड़ने वाले किरोड़ी लाल, देखिए गुड गवर्नेंस, मोदी सरकार पर भरोसा था, सबकी मन की बात का पता था, मोदी जी ने गुड गवर्नेंस दी है, सीएम ऐसा चुना है धरासल से नीचे से जमीन पर उठ के ऊपर आया, मान सम्मान करते मोदी जी का, हमारे कार्य अच्छे होंगे। उस दिन कहा गया था वो सीएम जिस दिन वहाँ विपक्ष की भूमिका के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल किरोड़ी बाबा ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, पर बाबा आप देखिए लगातार ये ऐसा है, देखो ऐसी बात है, देखो राजस्थान का क्षेत्र तो देखो ऐसा है, अरे सुन तो राजस्थान का एक लाल मेरी बात सुनो, राजस्थान का शेर तो करोड़ी बाबा ही रहेगा, पूरी साइड में सारी देखिए करोड़ी लाल ही रहेगा। आप देखिए सीधे तौर पर जो किरोड़ी लाल के समर्थक है उनमें जबरदस्त तरीके से गुस्सा है, गुस्सा इस बात को लेकर है कि बाबा किरोड़ी लाल ने जिस तरीके से 5 सालों तक मेहनत की लेकिन उनका इनाम नहीं मिला। दिनेश बोरा, जयपुर, राजस्थान तक।